देखिए, हम सबको देखना चाहते हैं, हो सकता है जब 6 महीने के लिए मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो 6-6 महीना सभी जातियों को बना दिया जाए तो क्या बुरा है? नहीं, जैसे आप आपने कहा ना कि नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, 5-6 साल में तो 10 लोग हो जाएंगे। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हमारी पार्टी का जिस दिन सरकार बनेगी 6-6 महीना रहेगा। प्रदेश में जातिवाद को नकारा नहीं जा सकता है। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देता है जाति प्रमाण पत्र, नौकरी निकलती है तो उसमें लिखा जाता है, मांगा जाता है कि आप किस जाति के हो, तो कहाँ कैसे नकारा जा सकता है? जिस प्रदेश में टिकट बढ़ते हैं, सभी पार्टियों की बात करता हूँ, तो जाति पूछ करके दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है तो जाति के नाम पे बनाया जाता है, हिस्सेदारी की भाई उस जाति को मिला कि नहीं, तो कहाँ नकारा जा सकता है? तो आपको सुझाव क्या है मुख्यमंत्री को? नहीं देखिए, अब उसको आप दूसरे रास्ते सोच रहे हैं ना। मेरा कहने का तात्पर्य था कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। शाक्य सैनी, मौर्य, कुशवाहा जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे, बड़ी संख्या में उनको देख करके लोगों ने वोट दिया। ओम प्रकाश राजभर की वजह से राजभर वोट दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से मौर्य वोट दिया, एसपी बघेल की वजह से एसपी पाल पटेल वोट दिया, प्रजापति को देख के प्रजापति वोट दिया। तो वोट तो सभी लोगों ने दिया ना, तो हिस्सेदारी सभी लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री तो बनाया गया है, ऐसा है ना? उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, बैलेंसिंग पावर जो होता है ना, जैसे कभी कभी टायर में आप देखते नहीं हैं, जब उसका वो क्या कहते हैं, अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है, तो उसको